आज आपको बताया जा रहा है रिटेनिंग वाल पिथ की, यानी जो रिटेनिंग वाल होगा उस रिटेनिंग वाल में की को भी जोड़ देना है, और इसका हम पढ़ेंगे क्रॉस सेक्शन। इससे पहले रिटेनिंग वाल का दो लेक्चर बताया जा चुका है, जिसमें रिटेनिंग वाल के पहले लेक्चर में था कि इसका परिचय बताया गया। दूसरा लेक्चर था कि रिटेनिंग वाल का क्रॉस सेक्शन और बार कटरमेंट को बताया गया। आज यह तीसरा लेक्चर है जिसमें रिटेनिंग वाल का क्रॉस सेक्शन बताया जाएगा, लेकिन रिटेनिंग वाल के साथ की को भी जोड़ दिया जाएगा। की होता क्या है? जब कोई रिटेनिंग वाल बनाया जाता है और रिटेनिंग वाल जो हमारा होता है इस प्रकार से बनता है, लेकिन जो ये रिटेनिंग वाल के इस तरफ मृदा का भराव किया जाएगा, यह मृदा का भराव जो हो बहुत अधिक हो, यानी इतना ऊंचाई में हो कि इस पे दाब बहुत अधिक पड़ता हो, जिससे कि यह विफल हो सकता हो। अगर विफल होने की संभावना होती है तो इसमें की लगाने की आवश्यकता पड़ती है, और यह की इसके बेस में कहीं पे भी लगाया जा सकता है। यह इस पे निर्भर करता है कि जहाँ पे यह रिटेनिंग वाल बनाया जा रहा है वहाँ की मृदा किस प्रकार की है, साथ ही साथ मृदा की बात यहाँ पे किस प्रकार से है यह होगा। दूसरा कि इस पे कितना इसके दीवार पे भार आ रहा है, क्योंकि जितना ऊंचाई इसकी अधिक रखी जाएगी दीवार की उतना ही भार इस पे अधिक आएगा, तो ऐसे में यह इस दिशा में पलटने का प्रयास करेगा जिससे कि यह उसी के अंदर जा कर के गिर जाएगा। तो यह ना होने पाए इसलिए इसके साथ स्लेब में, आधार स्लेब में कहीं पे भी यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे एक छोटी दीवार और लगा दी जाती है। ऐसा ही एक छोटा दीवार और लगा दिया जाता है, उस दीवार को कहा जाता है कि। अब हम बात करते हैं कि यह बनेगा कैसे। तो जो हमारा रिटेनिंग वाल होता है, पिछले में आप पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार से ऐसे बना होता है, यहाँ से तिरछा जा कर के मिलेगा। इसकी जो दीवार की ऊंचाई होती है उसको एच मानते हैं, और इस सिरे पे जो माप होता है वह 20 से 30 सेंटीमीटर होता है, 15 से 30 सेंटीमीटर होता है, और ये जो हाइट होता है यहाँ पे इसका चौड़ाई बी कहलाता है, और यहाँ जो टो होता है टो का जो माप कहलाता है यह 0.3 बी कहलाता है। बाकी यहाँ का जो माप होगा इतना, यह माप होता है h/10, और ये जो बी निकाला जाता है यह भी इसके h पे निर्भर करता है। यानी अगर कहा जाए कि बी बराबर क्या होता है तो 0.4h से लेकर के यह 0.6h के बीच में कुछ भी रखा जा सकता है। आज हम बात करेंगे इसी पे, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे इसके जो बेस स्लेब हमारा है इसमें एक की को भी जोड़ दिया जाएगा। की को जोड़ते कैसे हैं? जो कि इसके अंदर जोड़ा जाता है, जो हमारा स्लेब होता है ऐसे बनाया जाता है, इसी के ऊपर हमारा दीवार होता है, लेकिन अब स्लेब को यहाँ से कुछ नीचे तक भी बढ़ा दिया जाएगा। यानी इतना ये भाग जो होगा यह दीवार का कार्य करेगा, जो दीवार का कार्य करेगा यही इसका की भी कहलाएगा। एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह अधिक भार को सहन करने के लिए अतिरिक्त इसमें जोड़ दिया जाता है, जिससे कि अब यहाँ पे अगर इसकी दीवार पे भार अधिक आएगा तो यह अधिक भार को भी सहन कर सकता है। यह अभिकल्पन करके निकाला जा सकता है कि इसको कहाँ पे लगाया जाए, इस सिरे पे लगाया जाए, इस सिरे पे लगाया जाए, या मध्य कहीं में लगाया जाए, या अभिकल्पन किया जाता है और मृदा की धारण क्षमता को देखते हुए इसका निर्माण किया जाता है दीवार के साथ। लेकिन किसी भी कोई भी स्थिति हो,
हर एक स्थिति में जो की बनाया जाएगा वह इसके स्लेब के साथ ही जोड़ा जाएगा, यानी जो बेस स्लेब होगा उसी के साथ जोड़ेंगे। अब हम देखते हैं इस पे एक क्वेश्चन आज, तो ये है हमारा एक क्वेश्चन जिसमें कहा जा रहा है कि एक आरसीसी कैंटिलीवर रिटेनिंग वाल विथ की के साथ का अनुप्रस्थ काट खींचना है, अनुप्रस्थ काट बनाने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है प्रतिधारक दीवार की लंबाई 10 मीटर है, प्रतिधारक दीवार की ऊंचाई 5 मीटर है, स्टेम की शीर्ष चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, आधार स्लेब व चाबी की मोटाई जिसको की कहा जाता है वह 30 सेंटीमीटर है। कहा जा रहा है कि इसमें प्रबलन की उचित व्यवस्था करना है, लेकिन वह स्वयं करना है। अब जो प्रबलन की व्यवस्था की जाती है, एक होता है स्टेम, दूसरा होगा बेस स्लेब। अब इसमें जो छड़ डाले जाते हैं, दो प्रकार के छड़ इसमें भी और दो प्रकार के छड़ इसमें भी, तो इसमें जो दो प्रकार के छड़ डाले जाएंगे, जो हमारा मेन बार होगा वह मेन बार क्या होगा कि जो इसमें बेस स्लेब में मेन बार डाला जाएगा इसका व्यास से अधिक होगा हमारा स्टेम के मेन बार का व्यास। यदि अगर कहा जाए कि हमारा ऐसे स्टेम एक दिखाया गया है, इस स्टेम में और बेस स्लेब में अगर यहाँ पे जो ऊर्ध्वाधर छड़ डाले जाते हैं यह मेन बार कहलाता है, एक यहाँ पे ऐसे डाला जाता है, एक यहाँ पे ऐसे डाला जाता था, ये सब मेन बार होते थे, लेकिन ये दोनों मेन बार बेस स्लेब के मेन बार कहलाते थे, जबकि ये दोनों मेन बार स्टेम के मेन बार कहलाते थे। अब अगर इसके व्यास की बात किया जाए तो जो स्टेम में मेन बार डाले जाएंगे इसका व्यास अधिक होगा, और इससे कम जो व्यास होगा मेन बार का वह बेस स्लेब का होगा। साथ ही साथ ऐसे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार भी डाले जाएंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन बार डाले जाते हैं ये एक बिंदु के रूप में इसी में ऐसे दिखाए जाएंगे, ये स्टेम पे ऐसे हो जाएगा, ऐसे इसके बेस स्लेब में भी हो जाएगा। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार दिखाए जाएंगे इसका मेन बार से कम ही होगा। अब जैसे यहाँ का अगर मेन बार 18 मानते हैं तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन बार को 16 किया जा सकता है, इसके मेन बार को भी 16 किया जा सकता है, लेकिन अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन बार करेंगे वह इससे कम ही करेंगे। तो इस प्रकार से इसके अंदर बार को दिखाया जाता है, और साथ ही यहाँ पे जो कवर दिया जाएगा 50 का, और बाकी हर स्थान पे जो भी कवर देते हैं हम मान लेते हैं कि 40 mm का कवर देंगे। लेकिन आज इसमें क्या करना है कि की के साथ बनाना है। जब की के साथ बनाएंगे तो जो छड़ यहाँ तक लाया जाता था स्टेम से बाहर मात्र 30 से 50 सेंटीमीटर तक बाहर होता था नीचे की तरफ, और इस तरफ 25 सेंटीमीटर के लगभग छड़ को बाहर निकाला जाता था। लेकिन जब की को जोड़ेंगे तो नीचे का जो मेन बार होगा इसमें स्लेब में हमारे, यह स्लेब में मेन बार लास्ट तक जाएगा, हुक बनेगा, और यहाँ वही दूरी लेकर के हुक बनाया जाएगा। जो नीचे की तरफ होगा एक छड़ यहाँ पे भी ऐसे डाल करके हुक बना देंगे, लेकिन ये यहाँ मोड़ेंगे, और एक यहाँ ऐसे हुक बनाया जाएगा यहाँ मोड़ेंगे, यानी जो यहाँ पे दो इसके चाबी में लगाए जाएंगे बार वो इस प्रकार से ऐसे होंगे, एक इस प्रकार से होगा, दूसरा इस प्रकार से ऐसे बना होगा, ये दोनों आपस में आकर के जुड़ेंगे, ये हुक है हमारा। अब इसके लिए हम सबसे पहले खाका इसका तैयार करेंगे। तो खाका तैयार करने के लिए ये जो यहाँ पे 10 मीटर इसकी लंबाई दी गई है यह इसके क्रॉस सेक्शन या अनुप्रस्थ काट पे दिखाई नहीं देगा। जब बार कटरमेंट दिखाया जाता है तो वहाँ पे यह 10 मीटर हमको दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि जो इसका खाका किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। अगर इसके खाका की बात किया जाए तो दिया गया है कि जो प्रतिधारक दीवार है उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो सबसे पहले हम 5 मीटर ऊंचाई का स्टेम खींचेंगे। कहा जा रहा है कि ऊपर का जो शीर्ष है इसका 20 है,
तो यहाँ से 20 खींच दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि नीचे के तरफ यहाँ का कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन जो नीचे के तरफ रखते हैं वह h/10 रखते हैं, यानी 5 मीटर है तो यह 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी 5/10 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से और यहाँ तक नापेंगे 50, जहाँ पे भी 50 होगा, मान लेते हैं यहाँ पे हो रहा है, तब इसको सीधा ला करके यहाँ से ऐसे यहाँ पे मिलाया जाएगा। अब जहाँ भी 50 हो रहा है हम ला करके इसको मिला देते हैं, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद यहाँ नीचे की तरफ इधर और इधर बढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ जो बेस स्लेब का माप होगा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यह बी के बराबर होता है। और बी निकालते कैसे हैं, इसके ऊंचाई का लिया जाता है, ऊंचाई 5 मीटर कहा जा रहा है, 5 मीटर यहाँ रख देते हैं, 0.4h से लेकर के 0.6h तक लिया जाता है। अगर 0.4 लेते हैं तो 5 चौक 20 यानी 2 मीटर हो जाएगा, या 6 लेते हैं तो 5 36 3 मीटर, यानी 2 मीटर से लेकर के 3 मीटर इसके नीचे की चौड़ाई रखी जा सकती है। तो हम यहाँ पे इसकी चौड़ाई 2 मीटर ही लेते हैं, कुछ भी लिया जा सकता है, 2 मीटर लीजिए, 3 मीटर लीजिए, 2.5 मीटर लीजिए, कुछ भी माप यहाँ पे लिया जा सकता है। तो यहाँ पे ले लिया गया पूरा माप इसका 2 मीटर, ये 20 सेंटीमीटर हुआ, और यहाँ से इसकी जो ऊंचाई हुई यह 5 मीटर हुआ। अब यहाँ जो इस तरफ बढ़ाया जाएगा यहाँ से यहाँ तक, यह 0.3b होता है। अगर 2 मीटर है तो 3 × 2 = 6 नहीं 0.6 मीटर हुआ, या कह सकते हैं ये 60 सेंटीमीटर हुआ, यानी जो इसका टो होगा वह 60 सेंटीमीटर होगा, और ये 50 हो गया यहाँ पे, और यहाँ से आगे की तरफ 50 और 60 110 यानी 90 सेंटीमीटर ये इधर हो गया। तो इस प्रकार से इसका खाका तैयार कर लेते हैं। ये इसका एक खाका दिखाया गया है, खाका बना के तैयार कर लिया गया। अब इसमें हम छड़ को दिखाएंगे, तो जो छड़ दिखाया जाएगा यहाँ पे भी दिखाएंगे, ऐसे ऊर्ध्वाधर छड़ दिखाए जाएंगे, और इस ऊर्ध्वाधर छड़ पे एक ऐसे बिंदु के रूप में यानी इसी रेखा से लगा हुआ दिखाया जाएगा, और यहाँ पे भी दिखाया जाएंगे। जो ये बिंदु के रूप में दिखाए जा रहे हैं छड़, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा, 450 mm की दूरी पे रखेंगे। लेकिन जो ये ऊर्ध्वाधर बार दिखाए जा रहे हैं, यह 300 mm की दूरी पे मैक्सिमम रखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे इसको 400 तक रखते हैं। 400 तक इसलिए रखते हैं क्योंकि नीचे की तरफ जो बार लगाए जाते हैं या इसके फ्लक पे जो बार लगाए जाते हैं ये बहुत पास पास होते हैं 10-10 पे, क्योंकि जब इसका कटरमेंट किया जाता है तब धीरे धीरे होकर के जैसे जैसे ऊपर की तरफ इस दीवार पे जाते हैं इस पे भार आना कम हो जाता है। तो उसी प्रकार से इस पे जो छड़ डाले जाएंगे ऊर्ध्वाधर वाले छड़, ये वाले छड़, उसको काट करके कम किया जा सकता है, तो उन छड़ों को काट करके कम करेंगे। बात करते हैं बेस स्लेब में, तो बेस स्लेब में जो हमारा ऐसे करके बना होगा ऐसे करके, तो यहाँ से ऐसे हुक बना करके इस तरफ लाएंगे, सिर्फ कवर यहाँ पे कवर छोड़ करके, और जो यहाँ से ये आगे की तरफ छड़ को बढ़ाएंगे या बढ़ाएंगे 25 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़, जो नीचे की तरफ छड़ लाते थे हम यहाँ से आगे की तरफ मात्र बढ़ाते थे, यहाँ से ऐसे ला करके 30 से 50 तक, लेकिन कब यह बढ़ाया जाता था, जब इसके साथ की को नहीं जोड़ा गया होता है। लेकिन अगर इसके साथ की भी जोड़ दिया जा रहा है तो जो छड़ को बढ़ाया जाएगा वो वहाँ तक ना हो करके ये यहाँ से सिर्फ कवर छोड़ करके इस सिरे तक ऐसे आ करके हुक बनेगा। अब यहाँ पे कुछ भाग इसका खुला होगा, कितना होगा, क्वेश्चन में कह रहा कि यहाँ से यहाँ तक यह 30 सेंटीमीटर है, और जो ये नीचे के तरफ आएगा इसका यह माप भी 30 ही है, लेकिन ऊंचाई के लिए नहीं कहा जा रहा है। यह इस पे निर्भर करता है कि इस पे भार कितना आ रहा है और इसकी धारण क्षमता मृदा की क्या है।
इन दोनों को अभिकल्पन यहाँ करने की आवश्यकता हमको नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हमको चाबी दिखाना है। तो चाबी की गहराई यहाँ से यहाँ की दूरी कुछ भी हम ऐसे मान सकते हैं कि कितना लिया जाए, जो यहाँ पे 70 दिखाया गया है। अब हम अगर की के साथ करते हैं तो हमारा जो स्लेब बनेगा वो इस प्रकार से ऐसे बनेगा। तो यहाँ ऊपर के तरफ छड़ ऐसे ला के मोड़ेंगे, यहाँ से जो छड़ जाएगा ये यहाँ तक जाएगा, और एक छड़ यहाँ से ऐसे ला करके हुक बनाएंगे, दूसरा छड़ यहाँ से ऐसे हुक बनेगा। लेकिन ये इस प्रकार से छड़ नहीं होंगे, ये यहाँ से आगे आ करके मुड़ेगा, दूसरा छड़ जो यहाँ से हुक बनेगा ये भी यहीं पे आ करके मुड़ेगा। यानी एक हुक यहाँ से बनाया तो दूसरा हुक इधर भी बनेगा, और इसी पे हम डिस्ट्रीब्यूशन बार एक बिंदु के रूप में दिखा देते हैं, और इस पे भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन बार बिंदु के रूप में दिखाए जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें छड़ डाल दिए जाएंगे। जो स्टेम होगा इस पे जो हम कवर रखेंगे वो 50 mm का रख देते हैं, यहाँ शीर्ष पे भी जो कवर रखेंगे वह भी 50 mm रख देते हैं, बाकी यहाँ पे जो कवर रखेंगे ये हम 40 mm का कवर रख देते हैं। किसी भी तरफ कोई भी कवर हो, सारे कवर हम 40 mm ही ले रहे हैं। अब हम इसमें छड़ की स्थिति को डाल करके भी देख लेते हैं। ये हमारा बन करके तैयार है जिसमें छड़ दिखाए गए हैं, और एक यहाँ पे हुक दिखाया गया है, एक हुक यहाँ पे दिखाया गया है। यानी जो छड़ ऐसे हमारा जा रहा था ऊर्ध्वाधर मेन बार, उस पर डिस्ट्रीब्यूशन बार लगे थे, बीच में इस प्रकार से ऐसे हुक बना के दिखा दिया गया। यहाँ यह हमारा पहला कटर मेंट है और ये हमारा सेकंड कटर मेंट है, यानी दो बार छड़ को काटा जा रहा है। अब जो छड़ यहाँ पे बिछाए गए हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि 100 mm पे है, यहाँ कहा जा रहा है 200 mm की दूरी पे मेन बार लगाए गए हैं, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेन बार 400 mm की दूरी पे लगाए जा रहे हैं। ये किस प्रकार से लगाए गए, तो इसके अंदर जो हमारा ऐसे छड़ बिछाया गया यानी दीवार जो हमारा बनेगा, दीवार ऐसे बना होगा, इसकी ऊंचाई कुछ होगी, ये आपस में आकर के ऐसे कहीं ना कहीं जुड़ेगा ऐसे करके, फिर यहाँ से नीचे आ करके ऐसे होगा। तो जो इस पे ऊर्ध्वाधर छड़ ऐसे डाले गए हैं, इन छड़ों के बीच की दूरी पहले रखा गया है 10-10, यानी 10 cm, या कह सकते हैं कि 100 mm सारे पे। जब पहला कटरमेंट आएगा तो इन छड़ों को एक को छोड़ करके एक काटेंगे, यानी यहाँ पे अगर एक छड़ था तो इसको छोड़ करके इसको काट दिया गया। जब काटा गया तो यहाँ से ऊपर का छड़ निकाल लिया गया। यह काटते कितने हैं, h/2 से लेकर के और h/3 तक काटा जाता है। तो फिर एक को छोड़ करके दूसरे को काटते हैं, फिर एक को छोड़ करके दूसरे को काटेंगे, नहीं इसी प्रकार से काटा जाएगा और लास्ट वाले छड़ को नहीं काटेंगे। ये यहाँ से जो 10 मीटर क्वेश्चन में दिया गया था वह 10 मीटर यहाँ पे है, लेकिन जो यह बनाया गया है क्रॉस सेक्शन, इसको यहीं कहीं से ऐसे काट करके तब बनाया गया। तो इसकी इस दिशा की लंबाई हमको ना दिख करके सिर्फ इसकी चौड़ाई क्या है और इसकी हाइट क्या है, यही चीज़ यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। अब ये तो हो गया 10-10 पे, फिर काटा गया तो 1-10 ये और 1-10 ये, अब यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया, ऐसे यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया, तो यहाँ जो दिखाया गया 200। फिर क्या किया गया, एक को छोड़ करके फिर एक को काट दिया गया, तो यहाँ से क्या हुआ कि यह 400 हो गया, 20 था 40 हो गया, 40 cm। एक चीज़ और इसमें बताया गया कि सेंटर टू सेंटर रखा गया है। सेंटर टू सेंटर का मतलब क्या होता है कि जो छड़ ऐसे डाले गए हैं कुछ ना कुछ इसकी मोटाई होगी, ऐसे करके बना होगा, लेकिन जब छड़ की दूरी ली जाएगी, मान लेते हैं यही 18 mm व्यास का है या किसी भी व्यास का हो, तो यहाँ से इसके सेंटर से और इसके सेंटर से जो दूरी लेना है वह 300, 400 या 10, 20, 50 जो भी लिया जाएगा, यही होता है कि सेंटर टू सेंटर लिया गया है। इसीलिए यहाँ पे 200 mm c/c लिखा गया, यानी सेंटर से सेंटर की दूरी ली गई है। तो इस प्रकार से हम इस खाका को तैयार कर सकते हैं और इसमें
छड़ स्वयं डाले जाएंगे। तो इस प्रकार से छड़ डाले जाएंगे, जैसे यहाँ दिखाया गया कि 18 का लगाया गया, यहाँ भी 18 का, यहाँ भी 18 के सारे मेन बार हैं। इसमें जो मेन बार दिखाया गया ये ऊपर वाला था, दिखाया गया 14 का, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन बार इसी में दिखाया गया कि 12 का लगाया गया। तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाया गया है ये इससे कम है और इसके मेन बार से कम हो सकता है, लेकिन इसके डिस्ट्रीब्यूशन बार से अधिक व्यास का लगाया जा सकता है। यहाँ पे कहा जा सकता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है वह हमारा ये 18 का है, तो यह 14 का किया जा सकता है, 12 का किया जा सकता है, यानी मेन बार से इसके कम ही कुछ भी रखा जा सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।